पीवीसी बोर्ड मार्केट में आराम से मिल जाएगी, आप ले सकते हैं जाकर दुकान पर, जो बिजली का जब सामान मिलती है, ये सब काटने वटने की जरूरत नहीं है। पहले ज़माने में काटने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब काटने की जरूरत नहीं, पीवीसी बोर्ड मिल रही है आराम से, आप कटा कटा मिल रहा है। 25 और प्लास्टिक फाड़िए, उसमें से 5 पिन सॉकेट डालिए, सीधा उल्टा देख लीजिए और स्क्रू को इसमें कस दीजिए। दोनों तरफ 5 पिन सॉकेट रहेगा, दोनों तरफ 5 पिन सॉकेट, अब बीच में 1-way स्विच रहेगा, दिख रहा है? 1-way स्विच दोनों तरफ रहेगा, एक होगा बीच में, एक बीच में 1-way स्विच रहेगा, दिख रहा है? ठीक है, 1-way स्विच डालकर इसमें 5 पिन सॉकेट नहीं, सेम वायरिंग, 2 को 5 पिन सॉकेट रहे तो दो, उसका 2 को उपकरण होगा, 2 को मान यानी 2 को इसका इसका 2 को स्विच होगा, 2 पॉइंट होगा, तो 2 को तार जानबूझ कर, तो 2 को तार आएगा एक माइनस एक प्लस, इसको माइनस प्लस कहाँ कहाँ दोहराएंगे आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इसको नट बोल्टू कस, ठीक है दोस्तों, कस लिए इसका नट बोल्टू, हम कस चुके हैं। अब इसका वीडियो, अब इसको आगे वायरिंग करना है, वायरिंग करना है। देखिए 5 पिन सॉकेट, ये भी 5 पिन सॉकेट, 1-way स्विच, 1-way स्विच। अब इसको घुमाते हैं ऐसे, देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है, ये सब जो ये अर्थिंग का पॉइंट है, ये अर्थिंग पॉइंट है जो यहाँ पर देखिए, माइनस के लिए एन प्रयोग किया था, माइनस के लिए देखिए यहाँ पर एन दिख रहा है, माइनस के लिए एन और पॉइंट के लिए एल, ठीक है। अब पॉइंट के लिए इसमें स्विच का वायरिंग करेंगे, अगर इसमें वायरिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नियम होता है, रेड जब दिया है, एल दिया है, तो वहीं पर इसको पॉइंट करेंगे। एल दिख रहा है आपको, एल दिख रहा है, इसको वायरिंग करेंगे। और न्यूटन जो दिख रहा है, न्यूटन यहाँ पर करेंगे, और न्यूटन इसका, न्यूटन इसका, न्यूटन ये, न्यूटन ये, न्यूटन ये, न्यूटन जो ये, न्यूटन ये, न्यूटन सेम होता है, दिख रहा है एन दिख रहा है, यहाँ पर एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, दोनों न्यूटन सेम होगा, ठीक है। इसके बारे में होगा जो इसका फेज होगा, इसका फेज नीचे सिरे जुड़े रहेगा, ठीक है, ये प्लस का तार होगा, ठीक है, ये भी प्लस का तार, ये वाला तार इसमें लाकर इसमें जुड़ेगा, फिर तार इसमें ये का इसमें जुड़ेगा, ठीक है। यानी जो स्विच का तार है वो रेड तार में जुड़ेगा, जो नीचे वाला पॉइंट में जुड़ेगा। अब चलिए हम इसको वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ये जो पॉइंट वाला है उसको पॉइंट नहीं करेंगे, पहले इसका रेड वाला जो इतना देखिए छील लेंगे, इसके साइज़ के नाप लेंगे इतने साइज़ को, और इसको खूब से, अगर लाइन नहीं है तो हाथ इसको मान देंगे, ठीक है, और स्क्रू को नीचे वाला स्क्रू को ये खोल देंगे, ठीक है, खुला है। अब इसकी स्क्रू खोला है, इस स्क्रू खोल इसमें ये नीचे से तार घुसाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे घुसाएंगे, इस दोनों 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 पॉइंट में घुसा देंगे, ठीक है। घुसाने के बाद इसकी हल्का जो दिख रहा है बाहर, इधर मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद एक स्क्रू जो है नीचे, स्क्रू जो नीचे वाला दिख रहा है, स्क्रू दिख रहा है ना, स्क्रू इसको स्क्रू कस देंगे, स्क्रू कस देंगे, खूब यहाँ से देखिए, ध्यान से दिखेगा, स्क्रू कस देते हैं, टाइट कसेंगे, ढीला रहेगा तो स्विच पॉइंट में नहीं जाएगा, लाइन नहीं जा पाएगा, ठीक है। ई कस दिया, हमारा ये फेज हो गया, अब फेज हो गया, अब इसका हम फेज का पॉइंट देंगे, छोटा सा तार काट लेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेंगे एल कहाँ है, एल दिख रहा है यहाँ पर, इसको एल ले आकर इसमें, इसके ऊपर इसमें लगा जोड़ देंगे, इसे खोल लेंगे स्क्रू, स्क्रू खुल जाएगा तभी तार घुसेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा तो नहीं घुस पाएगा तार, कस देंगे फिर, कस दिए। अब इसके वाला ए वाला नहीं, इसमें डाल देंगे, ये वाला पॉइंट इसमें कस गया, दिख रहा है आप लोगों, ये वाला ऐसे पॉइंट कस गया, ये वाला अब ये वाला पॉइंट बचा, तिला के हम इसमें इसमें रेड कस देंगे, इसको ये वाला पॉइंट है, इसे तार छोटे छोटे काट के रखेंगे और वायरिंग करेंगे, तो आप सब समझ जाएंगे धीरे धीरे, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। ये वाला स्क्रू खोलेंगे,
ये रे स्क्रू को इसमें ला कस देंगे ऊपर पॉइंट में, ठीक है। अभी वाले जहाँ देखेंगे एल एल कहाँ है यानी रेड कहाँ है उसमें लाकर हम घुसा कर हम स्क्रू कस, कस देंगे। चलिए कस देते हैं, ठीक है। अब अच्छा न्यूटन का, न्यूटन जो दिख रहा है अब एगो जब प्लस घूम गया अब न्यूटन घुमाना है, न्यूटन घुमाना है, एगो यहाँ पर न्यूटन है एगो यहाँ पर न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूटन देखो सबसे पहले एगो तार काटेंगे, तार काट लेंगे न्यूटन के लिए, एगो तार यहाँ पर जोड़ देंगे, न्यूटन यहाँ पर जोड़ देंगे, स्क्रू नहीं खुला था स्क्रू खोल लेंगे, ये कस देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो न्यूटन तार है, ये वाला न्यूटन तार इसमें दोनों को मैन कर हम प्लास से यहाँ खूब बढ़िया से इसको मैन लेंगे। मैनने के बाद देखिए जितने मैनेगा उतना ही पतला रहेगा उतना ही ठीक रहेगा, काहे कि उपकरण से छोटा छोटा रहता है, ये काट देंगे और उसके बाद इसमें हम कस देंगे। ठीक है अब इसको टाइट हाथ टाइट से कस देंगे। चलिए देखिए आप समझ लीजिए ये हमारा माइनस है, माइनस तार, माइनस तार या कहला कि इसमें माइनस जुड़ चुका है, उपकरण हो गया दो गो हमारा उपकरण हो गया, ये प्लस तार है इसको प्लस के निचले भाग में जुड़ा है, ठीक है। इसके लिए पॉइंट लेके इसमें जुड़ा है, इसको पॉइंट लेके जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको लाइन देकर चेक करेंगे कि हमारा स्विच, ये स्विच काम कर रहा है कि नहीं, फाइव पिन सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं, चलिए हम लाइन देकर देखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों अब इसमें लाइन देकर देखते हैं क्या होता है, लाइन देकर कैसे बल्ब जिस 5 पिन सॉकेट काम करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लाइन दे चुके हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हम ये लेंगे टेस्टर लैंप या टेस्टर लैंप बॉल होल्डर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, ठीक है। टेस्टर लैंप लेंगे यहाँ पर और इसमें हम एक स्विच दाबेंगे, ये वाला ये वाला स्विच दाबेंगे और इसमें हम चेक करेंगे जल रहा है, ठीक है। अब फिर ये स्विच दाबेंगे, ये वाला चेक करेंगे जल रहा है, ठीक है। हमारा 5 पिन सॉकेट सही है, इसको ऑफ कर देंगे और ऑन कर ये तार निकाल लेंगे और इधर प्लग दिखाएंगे। अगर देखिए बताते हैं जोड़ते हैं कहीं इधर जोड़ देते हैं तो इस स्विच का ये काम करता, अगर ये स्विच इधर तार जोड़ते तो ये काम करता इस, ठीक है। लेकिन इसका नियम है रेड का रेड जोड़ना, रेड का रेड जोड़ना, ठीक है। ऐसे ही देखिए स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, ऐसे ही आप वायरिंग कीजिएगा। ये जो तार दिख रहा है ये तार माइनस रेड रेड और ब्लैक, ये हमारा मेन तार है, ठीक है। यही मेन तार है, ठीक है। यही न्यूटन है, ये थी है। हम इसके बॉक्स में आप कस देंगे इसका, चलिए हम इसको बॉक्स में कस के दिखाते हैं। चलिए इसको बॉक्स कसने के लिए सबसे सिंपल है, इसे सीधा देख लेंगे सीधा कौन है, इसमें छेद कर देंगे हम, छेद कर पोकर होगा तो पोकर छेद कीजिए, पेक्सल छेद कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम तार निकाल लेंगे और बोर्ड कस देंगे, ठीक है। पहले बोर्ड कसते हैं, पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप इस नए पहले वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए ये बोर्ड हमारा कस के रेडी हो गया, चलिए इस तरह।